वडाला से शुरू हुआ मान्या सर्वे अब हिंदुस्तान में कुछ इस कदर पॉपुलर हो चुका है कि सबसे पहले तो दिल्ली गया था और दिल्ली जाकर प्रेसिडेंट से मिलकर आया और कुछ लेकर भी आया है। क्या लेकर आया मान्या सर्वे हमारे लिए? जी, दिस इज़ माय नेशनल अवार्ड। हमने विकी डोनर के लिए जीता ये नेशनल अवार्ड। कैन यू जस्ट शो इट जॉन, व्हाट इज लाइक, हाउ डज दिस नेशनल अवार्ड लुक लाइक? फैंस आपके देखना चाहेंगे कैसे। यू कैन सी दिस इज़ अ फिल्म विकी डोनर फीचर एंड निर्माता चौहान अब्राहम एंटरटेनमेंट, या जे एंटरटेनमेंट, और यहाँ पे वो फिल्म के बारे में लिखा है। तो जॉन, काफ़ी रुचिकर बनाया आपने, और ये जो आपके पास इस वक्त है ये नेशनल अवार्ड, जब शुरू किया था आपने इस स्टारडम में या इस ग्लैम वर्ल्ड में एंटर करना, तब सोचा था ये इस तरह की शील्ड में अपने हाथ में लेकर किसी दिन बैठा होगा और मेरे ऑफिस में होगी ये शील्ड? नहीं, कभी लाइफ में सोचा नहीं था। और विकी डोनर जब भी हमने बनाई थी उस टाइम पे भी नहीं सोचा था कि यहाँ इस मुकाम तक पहुँचेगी वो फिल्म। लेकिन मुझे अभी भी याद है, पहले प्रोमोज हमने ऑफिस में ही देखे थे, रिमेम्बर कुना? बट वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जैसे तुमने पहले कहा कि पॉपुलर अवार्ड्स में तो हमेशा कुछ ना कुछ बायस रहता है, लेकिन व्हेन यू विन अ नेशनल अवार्ड वो एक हिंदुस्तानी होने का फीलिंग होता है। सो इट वाज ग्रेट गोइंग अप देयर, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी ऐसा भी होगा कि मतलब इस तरह से मुझे, मैंने पहली फिल्म जो मैंने बनाई उससे मैंने एक पूरा बेंचमार्क सेट कर दिया है, अब मुझे, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है जो विकी डोनर देख कर आगे का सिनेमा देखने आएगी वो मुझसे काफ़ी उम्मीदें रखेगी, वो सोचेगी कि इसी तरह का बिना किसी उकसाए हुए स्पर्म डोनेशन जैसे विषय वजह से इसमें बहुत डिटेल लैंग्वेज में लिखा हुआ था। जी, पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारी कंपनी है जे एंटरटेनमेंट और शुजीत की जो कंपनी है राइजिंग सन्स, हमने ये फिल्म साथ में बनाई। वी आर ओनली वन फिल्म ओल्ड, विकी डोनर बनाई बस, तो एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा ही है। मैं ऑडियंसेस को ये कहना चाहता हूँ, स्पेशली हमारे ट्रेड को कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी फिल्म आए फ्यूचर में, इतना ज़ोर से मत मारो या इतना ज़ोर से ये मत करो, क्योंकि वी आर वन फिल्म ओल्ड। हम लोग वी आर एक्साइटेड, वी आर वेरी हैप्पी, लेकिन हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एज अ प्रोड्यूसर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं सब्जेक्ट चुनने जा रहा हूँ, जो मैंने चुना है, देयर विल बी सब्जेक्ट्स दैट द यंगस्टर्स वुड लाइक। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ उस मामले में। तो हमारी जो दूसरी फिल्म है मद्रास कैफे, जो अगस्त 30th को रिलीज़ हो रही है, उसका सब्जेक्ट भी एक अलग किस्म का सब्जेक्ट है। इट्स नॉट अ कॉमेडी। स्पर्म डोनेशन पे तो हर कोई हर टाइम कोई फिल्म नहीं बना सकता है, लेकिन इट्स अ थ्रिलर, और एक थ्रिलर जॉनर में मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म बनी है। इसके बाद हम वापस कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन हर एक फिल्म के साथ ये बहुत ही ज़रूरी है कि जे एंटरटेनमेंट के थ्रू हम फिल्म्स के थ्रू मैसेजेस पहुँचाए ऑडियंस को। सो इट शुड बी एंटरटेनिंग, बट देर शुड ऑल्सो बी अ मैसेज दैट गोज अक्रॉस टू द ऑडियंस। तो मद्रास कैफे के बाद जो भी फिल्म हमारी आएगी, हमारा बजाज, या उसके बाद डेली शेली लव शव, जो हमारी दूसरी फिल्म है विच इज़ लाइक विकी डोनर, उसके बाद विकी डोनर 2 जब भी हम लोग प्लान करेंगे, दे ऑल हैव टू हैव अ स्पेसिफिक मैसेज एंड दे हैव टू बी एंटरटेनिंग। जॉन, थैंक्स लॉट, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। उम्मीद करते हैं कि वडाला के बाद अब ये बांद्रा, खंडाला और लोनावला और पता नहीं कहाँ कहाँ पर जितने भी शूट आउट हों सब में आप, शूट आउट 3 जल्द, बहुत से बहुत जल्द अनाउंस होगी जी, और हम जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट के थ्रू उसको देख सकते हैं। थैंक यू जॉन, थैंक यू, इट वॉज अ प्लेजर।